अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं बतौर गायनेकोलॉजिस्ट फातिमा हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो एपिडुरल एनेस्थीसिया के बारे में है। खवातीन को लेबर में लेबर पेन्स की वजह से बहुत एंशियस एग्जाइटी होती है और बहुत खौफ होता है कि लेबर पेन्स बड़ी तकलीफदेह चीज़ है और कई दफ़ा इसी लेबर पेन्स के डर की वजह से कोई खवातीन सिजेरियन ऑप्ट कर लेती है। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे पेनलेस डिलीवरी हो सकती है, उसको हम मेडिकल टर्म एपिडुरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया फातिमा हॉस्पिटल हैं, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जावेद सर, इनसे हम आज बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया एपिडुरल के बारे में डिस्कशन करने के लिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पेनलेस डिलीवरी कैसे हो सकती है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें एपिडुरल इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, जो बेस्ट ऑप्शन है। अदर भी हैं, आप सिस्टमिकली हम इंट्रावीनस एनर्जीजिया भी दे सकते हैं, हम गैस जो एंटोनॉक्स जिसको कहते हैं, जिसमें 50% ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वो भी दे सकते हैं जी। लेकिन सारे ये प्रोसीजर जो है ना डेफिनेटिव हैं। तो जो एपिडुरल है उसमें, क्योंकि वो नर्व्स जो यूट्रस और बर्थ कैनाल को एनेस्थेटाइज को स्टिमुलेट करते हैं, ये एपिडुरल उनके लिए है तो उनको ये डिसेंसिटाइज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि एपिडुरल एनेस्थीसिया या एनर्जीजिया कैसे दिया जाता है। ये एक हमारे एनेस्थीसिया में वन ऑफ द मोडेलिटी है एनेस्थीसिया की। जनरल एनेस्थीसिया होता है एपिडुरल स्पाइनल, थिएटर में तो हम रूटीन में करते हैं, लेकिन लेबर पेशेंट्स में जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं फॉर पेनलेस डिलीवरी, तो हम इनको उसी तरह लटा के भी दे सकते हैं, बैठा के भी दे सकते हैं, बैक साइड पे क्लीन करके अंडर एसेप्टिक कंडीशन हम एरिया को प्रिपेयर करके तो फील करते हैं बिटवीन दी वर्टिब्रा सॉफ्ट टिश्यू में, वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक इंसर्ट करके, ताकि नीडल का प्रिक ज़्यादा फील ना हो। ये स्पेशल सेट होता है, नीडल होती है, उसके जरिए हम जो है ये लगाते हैं। तो ये कोई स्पेस होती है कि सीधा स्पाइनल कॉर्ड में लगता है? बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड, अगर कोई लोग कुछ मेडिकल स्टूडेंट या कुछ जानते हो, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ अटैच होता है जी। ये वर्टिब्रा के नाम होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। तो ये लंबर L1 जो है ना, लंबर 1, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है, उससे नीचे लगाते हैं, लंबर एपिडुरल कहते हैं, ताकि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना सेफ हो, कोई इंजरी ना हो सके उसको करना हासिल, तो हम लंबर एपिडुरल कहते हैं। और इसमें एक भारी सा कैथेटर स्पेस फाइंड करते हैं, कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं, उस कैथेटर के थ्रू हम मेडिसिन देते हैं, वो देते रहते हैं जी, देते रहते हैं या कंटिन्यूस उस पर इन्फ्यूजन चला देते हैं, ताकि वो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लेबर जो है खातून जो है बिल्कुल पेन फ्री रहे। डॉक्टर साहब ये कितना अफेक्टिव होता है, बिल्कुल 100% पेन फ्री हो जाती है इसमें? ये भी एक सवाल है कि हर एक के एनाटॉमी डिफरेंट होती है, मेजॉरिटी 99% इफेक्टिव होता है, अनटिल अनलेस कोई ऐसी डिफॉर्मिटी ना हो उसकी स्पाइन में, या कोई उसमें ऐसा है कि कैथेटर इंसर्ट कर तो किसी एक साइड पे मूव कर गया हो, मेडिसिन सही जगह पर प्रॉपर प्लेस ना कर सके बंदा, तो ये चांसेस होते हैं, पार्शियल इफेक्ट हो जाता है। तो ये नॉन कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन से मुराद है इसका सक्सेस रेट कम है, लेकिन मोर देन 98-99% इट्स वेरी इफेक्टिव। डॉक्टर साहब अक्सर हमारे पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि आप जब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगा देंगे, खातून को दर्दों का पता नहीं चलेगा, तो क्या दर्दें ही ख़त्म हो जाती हैं? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ये कि ये एक है कि आया एपिड्यूरल लग जाएगा तो उसकी पेन्स बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऐसी बात नहीं है। यूट्रस की जो कंट्रैक्शन मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते रहते हैं जी, पेशेंट को फीलिंग नहीं, उसकी जो सेंसरी है ना वो लिए प्रेशर फीलिंग रहती है जी। इसमें मैं एक बात बता दूं, ये जो लोकल एनेस्थेटिक हम डालते हैं, जिसको हम रुपीवा केन कहते हैं, लॉन्गर एक्टिंग होता है,
इसकी कंसंट्रेशन कम करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक हम उसको पूरा पैरालाइज भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ना, जैसे हम थिएटर में हम ये प्रोसीजर करते हैं, पूरा 100 कंसंट्रेटेड डोज देते हैं। लेबर के लिए हम इसको डायरेक्टली डोज देते हैं जी, उसमें सिर्फ सेंसरी मोडालिटी जो ना महसूस करने वाली वो हिस जो ना वो उसको सबसाइड करते हैं और पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेशर सेंसेशन रहेगी और मदर जो है उसमें हिस्सा लेगी, पुश कर सकेगी, उसमें फीलिंग रहती है टच की। मेरा अगला सवाल यही था कि डिलीवरी के दौरान पेशेंट में ये सेंसेशन रहती है कि वो पुश कर सके। यस, ये भी एक अक्सर गायनाकोलॉजिस्ट का ये है रिव्यू होता है कि आखिर यानी उसको ना पैराडाइज करें क्योंकि पुश नहीं कर पुश नहीं सकते, तो करेगी। आखिरी डोज ये होते थोड़ा हैं। सा कंसेप्ट क्लियर करना है कि वो जो डोज होती है वो एनास्थेटिक डोज होती है, वो मोटर पैरालिसिस नहीं करती। ठीक है, उसमें पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं वो उनके ऊपर रहता है प्रेशर और पेशेंट की पुशिंग पावर रहती है, पुशिंग पावर रहती है, सिर्फ फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ पेन पेन नहीं नहीं होती। रहती। ये समझ लें कि 90-95% पेन जो है ना उसकी सबसाइड हो जाती है, पुशिंग प्रेशर सेंसेशन रह सकती है, वो बल्कि बेहतर होती है तो मतलब उसमें टेक पार्ट करे डिलीवरी प्रोसेस में। और लेबर के दौरान कितना अर्ली पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लग सकता है? ये उस वक्त लगता है जब गायनाकोलॉजिस्ट डिसाइड कर ले कि एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर आ गई है या आप पेशेंट ने डिलीवर होना है। ठीक है, तो ठीक है, यूजुअली हम एक्टिव स्टेज एक्टिव इसमें स्टेज में आते हैं, लेकिन रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। कई लोगों का थ्रेशोल्ड बड़ा कम होता है, वो अर्ली स्टेज में भी लगवा देते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन ये श्योर ही हो कि अब इसने लेबर को हमने आगे एडवांस होनी एडवांस है और करनी है डिलीवर करना होना है, है। क्योंकि लेटेंट फेज जो है ना हो सकता है एक दिन रहे, दो दिन रहे, उसमें नहीं लगाना चाहिए। अब डिसाइड हो जाए, कई लोग कहते हैं इतने सेंटीमीटर डायलेटेशन पे लगवाएं या इतने पे लगवाएं, लेकिन ये डिसाइड करना ऑब्स्टेट्रिशियन का काम है कि अब ये एक्टिव लेबर है तो इनिशिएट करें। एक और सवाल जो अक्सर खवातीन उनकी फैमिली जब भी हम एपिड्यूरल की बात करते हैं तो अगला उनका कमेंट आ जाता है, नहीं इसको लगाने से तो सारी उम्र की कमर की दर्द रहती है। अच्छा, ये भी एक मिथ है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बिल्कुल आप एविडेंस बेस देख सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों को ये एपिड्यूरल की वजह से पेन हुआ। डिलीवरी के दौरान अल्लाह ताला ने ऐसे लिगामेंट रिलैक्स किए होते हैं जिसको पेटूलियम कहते हैं, सवा महीना उसमें पेशेंट ने अपने आप को सेटल करना है, वो रिलैक्स होते हैं सारे लिगामेंट्स, और उसमें और भी रीजंस हो सकते हैं बैकेज की, जिसमें एनीमिया है, वाइटामिन डी कैल्शियम की कमी है, वाइटामिन डी उनको एड्रेस करना चाहिए। ये एपिड्यूरल रीज़न नहीं है बैकेज, ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं सारे लोग। बल्कि मैं एक और बात बता दूँ कि कईयों को जब बैकेक रहता है बहुत ज़्यादा तो ये एपिड्यूरल हम लगाते हैं फॉर पेन के लिए, क्रॉनिक पेन के लिए। नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में बैकेक एक ट्रीटमेंट है, बैकेक की एक ट्रीटमेंट है जिनका मसल डिस्क प्रोलैप्स है और इतना उसमें एडिमा हो जाता है कि पेशेंट का जो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है अपने पेशाब पखाने के, तो सर्जन हमें कहते हैं इनको एपिड्यूरल लगा देते हैं ताकि वो एडिमा या स्वेलिंग कम हो जाए, या जनरली ये एक मोडालिटी है क्रॉनिक पेन में। तो ये क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है कि ये एक थिएटर में और जो ऑपरेशन के दौरान ये वन ऑफ दी ऑप्शन है एनेस्थीसिया की, और ये हम लेबर खवातीन को ऑफर करते हैं तो इसमें कंट्रोल ये मिथ है। बेबी पे कोई नुकसान अगर माँ को एपिड्यूरल लगा? अच्छा, ये इतना इतना नहीं है कि बिल्कुल रिस्क फ्री है अगर इसको लगा के मदर को मॉनिटर ना किया जाए, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली इसने वेजो डायलिटेशन करने के मतलब कि ब्लड प्रेशर कम करते हैं मदर। ठीक है, क्योंकि वो जो नर्व्स जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो उन्होंने जाना ही उन्हें वेजो डायलिटेशन हो गई, हाइपोटेंशन इज ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दिस, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए आप अक्सर एडवाइस करते हैं साथ हम कहते हैं कि उसको ड्रिप लगा दें ताकि इसका जो है ब्लड प्रेशर कम ना हो, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग रखते हैं। हाँ, आपका सवाल सही है कि फीटल डिस्ट्रेस बच्चे को नुकसान हो सकता है अगर ये मॉनिटर ना किया जाए, अगर मदर को हाइपोटेंशन होता है ब्लड प्रेशर कम हो तो बच्चे को भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसका वेलबींग नहीं होगा। तो ये चीज़ें ये छोटे सेंटर्स में या इतने नहीं है कि हर कोई लगाता रहे,
मदर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो एक एक होता है कि एपिड्यूरल एनल्जीजिया लगाए, उसके बाद डिलीवरी तक साथ मॉनिटरिंग होना मॉनिटरिंग जरूरी होना है जरूरी है माँ कि की भी और माँ बच्चे के भी और बच्चे की। बिल्कुल सर, ये नहीं कि अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए, एक इंजेक्शन लग गया आप जहां मर्जी को चला जाए, नहीं, मदर को पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या हर प्रेग्नेंट औरत ये एपिड्यूरल लगवा सकती है या कोई उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या कोई खास केसेस में आप कह सकते हैं यस, कि इनको नहीं लगना इसमें जरूरी चाहिए? नहीं हर एक को लगे, बहुत छोटा सा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ना लगाए, जी मसलन जिसमें अगर ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स हैं, इन्फेक्शन है उस एरिया पे, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, कम तो है, तो वो क्योंकि ये एक ग्रोथ स्पेस है, प्लेटलेट्स प्लेटलेट कितने होने चाहिए? कई दफा एट्टी हो जाते थाउजेंड 80,000 से मिनिमम ऊपर हों फिर ऊपर हम लगाते हैं, और जी। प्लस को ऐसी दवाइयों पे ना ऑपरेशन, खून पतला करने वाली दवाइयाँ उनको नहीं लगाते, पेशेंट कंसेंट नहीं देते, कई जबरदस्ती नहीं कर सकते, पेशेंट की कोई डिफॉर्मिटी है, स्पाइन की हाँ काइफोस्कोलियोसिस है या ऐसा है कि डिफिकल्टी है, उसको हम कह देते हैं कि डिफिकल्टी है, हो सकता है इफेक्टिव ना हो, बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक या है। ओबीस पेशेंट है बहुत ज़्यादा, हाँ उधर तो भी उस मसला यहाँ आता है। पे प्रोसीजरल डिफिकल्टीज हो जाती है। और अगर किसी वजह से जिस खातून को एपिड्यूरल लगा हुआ है किसी वजह से उनको सजेरियन करना पड़ गया, उनका बीबी की हार्ट बीट कम हो गई या यूट्रस का मुंह नहीं खुल रहा, तो क्या ऐसी एपिड्यूरल के अंदर सजेरियन होता है या उसके लिए फिर जनरल एनेस्थीजिया लग से देना अच्छा, पड़ता है? उसमें भी ये है कि अगर तो इतनी अर्जेंसी नहीं है कि फॉरन फीटल डिस्ट्रेस इतना नहीं है कि आप टाइम दे सको, क्योंकि उसको हमें रीइंफोर्स करना पड़ता है विद कंसंटेटेड ड्रग, अगर मतलब उसी के एपिड्यूरल में कैथेटर कराएं में आप कोई हम और डोज कंसंट दे एक और डोज देते देते हैं? हैं ताकि वो जो पहले सिर्फ सेंसरी ब्लॉक था मोटर ब्लॉक हो जाए, अच्छा जी, ठीक उसमें 10 मिनट्स चाहिए, ठीक है है ना, और कंसंट्रेटेड डोज देते हैं हम, जी। उसमें भी हो सकता है, ऑप्शन है कि अगर टाइम नहीं है तो हम जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, अच्छा, मतलब ये कि एपिड्यूरल अगर लगा हुआ है तो इसके अंदर भी इसके अंदर सिजेरियन सर्जेरियन हो हो सकता है अगर सकता है? टाइम हमें अलाउ करे तो उसमें सिजेरियन हो सकता है। हाँ अगर खुदा ना खास्ता कहीं पार्शल है या ऐसा तो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ तो फिर हम ऑप्ट करते हैं दूसरी मोडालिटी। कोई और एपिड्यूरल लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट्स जो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहें? कई दफा कईयों को हेडेक हो जाती है, अच्छा, ऐसी कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस की आप बात करेंगे, जी। एक तो लगाने और प्रोसीजर्स की कॉम्प्लिकेशन है, अच्छा एक नॉर्मल इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, मसलन के पेशेंट के मैंने बताया ना कि उसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, उसको बहुत दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अगर सर, ना किया गया तो फीटल डिस्ट्रेस हो सकता का हो है सकता है, अगर वो तो नॉर्मल बात है, एक प्रोसीजर रिलेटेड है कि अगर डिफिकल्ट पेशेंट है तो उसमें मसलन ओबीज है, उसकी स्पाइन में कोई एनाटॉमिकल मसले हैं, लगाने में कोई है, अंदर सेप्टा है, एक साइड पे इफेक्ट है, हर एकटमेंट होती है, तो उसमें उसमें कह सकते हैं कि इफेक्ट नहीं आएगा। एक दूसरा एक मैं बात बता दूँ, एपिड्यूरल जैसे इसका मतलब एपी या आउटसाइड दूरा, स्पाइन को 3 लेयर में घेरा होता पाया है। रेटिनाइट, ठीक पाया मेटर, रेटिनाइट मेटर एंड ड्यूरा मेटर, ये जो एपिड्यूरल है उस शीट के बाहर हम लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं, जिस नीडल से डालते हैं स्पेशल तो ही नीडल होती है उसका, जो हम एक्सरे इंसर्ट करते हैं वो एक साइड पे जाता है 90 एंगल पे जाता है, खुदा ना सा वो तो ही नीडल जो है अगर पियर्स करती है ड्यूरा मेटर को तो सीएसएफ जो फ्लूड होता है वो बाहर आ अच्छा जाता ठीक है, इसको हम कहते हैं वेट टैप हो है, अच्छा जी, गया। ऐसे केसेस में फिर वो उसको दूसरी स्पेस पे लगाना पड़ता है, लेकिन चांसेस होते हैं कि दूसरे दिन या तीसरे दिन पेशेंट को हेडेक होगा जब वो बैठे, इसको कहते हैं पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, ठीक है, ये एक भी नॉन ये वन ऑफ द प्रॉब्लम हो कॉम्प्लिकेशन सकती है है। और ठीक उसके है, भी ट्रीटमेंट है, अच्छा वो और वो ट्रीटेबल चीज है, ट्रीटेबल चीज थोड़ा है, सा लंबा कोई थोड़ा तकलीफ रहेगी सा पर तकलीफ ट्रीटेबल। रहे ट्रीटेबल है, ठीक है, कोई पैरालिसिस का चांस है कभी एपिड्यूरल ये से, कि वेरी रेयर पाउ का पैरालिसिस या फुट ड्रॉप या ऐसी कोई चीज? है। उसमें ये कह सकते हैं कि उनको ब्लाइंड प्रोसीजर है, किसी ऐसी नर्व पे कोई रॉन्ग साइड पे कोई लग जाए तो किसी नर्व को टच करते तो हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता है,
ठीक है, परमानेंट जी और ये रिपीटेड फर्दर प्रेगनेंसीज में भी पेशेंट चाहे तो हर जी प्रेगनेंसी जी में भी हर लग हर सकता है, ये हर भी नहीं है कि बस एक दफा एग्जैक्टली ही इसी लगाना तरह है। है, जैसे हर दफा सिजेरियन होता है, जी हर दफा एनेस्थीसिया मिलता है, एपिडुरल भी हर दफा लग सकता है, लेकिन जो पहली प्रेगनेंसी है उसमें ज्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि प्रोलॉन्ग होता है इसकी लेबर, अच्छा जी, जो मल्टीपल आफ्टरवर्ड्स जो है वो प्रेगनेंसीज ड्यूरेशन वो ऑफ बड़ी रैपिड लेबर होती हैं, तो छोटी होती है, उसमें अर्ली उसमें अगर ऑप्शन है तो जरा अर्ली उसको लगा लो। बताना पड़ता है। मैं सिर्फ एंड पे चाहूंगी कि आप रैप अप कर दें एपिड्यूरल के बारे में, ताकि हमारे नाज़रीन को पता हो कि एपिड्यूरल क्या है और उसके फवायद क्या हैं। एपिड्यूरल एक ऐसी ऑप्शन है पेनलेस डिलीवरी के लिए जो कि आज तक सारी मोडेलिटी से सुपीरियर है। दूसरी अगर कोई ऑप्शन वो कोई ऑफ नहीं करना चाहता है एपिड्यूरल, तो डिफरेंट हैं, मसलन ड्रग्स दी जा सकती हैं, इंट्रावीनस ड्रग दी जा सकती हैं, कोई गैस सुंगाई जा सकती है जिसको एंटेनॉक्स कहते हैं, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड कम है या ऐसा डेफिनेटिव इफेक्ट लेना है पेनलेस का, तो एपिडोरी इज द आंसर। उसमें एक्सपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर कोई जो है एक्सपर्ट एक्सपर्ट नहीं है, नहीं हो सकता, उसमें सर्टन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए और प्लस मॉनिटरिंग ऑफ द मदर एंड फीटस चाहिए ड्यूरिंग द एपिडोरल। और यही एपिडोरल जो है ये एक्सटेंड हो सकता है खुदा नास्ता अगर सिजेरियन में कन्वर्ट होता है, तो उसी एनेस्थीसिया में ये सिजेरियन भी हो सकता है, उसको जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ सकती। और ये जो मिथ है लोगों का कि ये बैकेक करता है, ये बैकेक के बल्कि ट्रीटमेंट है इन नॉन प्रेगनेंट लेडीज, कई दफा हम बैकेक के लिए लगाते हैं। हाँ, अगर किसी बैकेक की सॉरी बैकेक जो है उसकी दूसरी काजेज रूल आउट करनी चाहिए, मसलन अनीमिया है मदर का, हाइपोकैल्सीमिया है, वाइटामिन डी नहीं लेती, ये पोस्ट डिलीवरी कुछ अर्सा ऑब्स्टेट्रिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, लोग नहीं लेते, बैक की केयर है, रेस्ट करना होता है, ठीक है, ये सारी बातें इंक्लूसिव हैं। हाँ, जिनको नहीं लगता है एपिड्यूरल, उन मदर्स को भी तो बैकेक होता है, ये देखिए, ठीक है ना, तो ये आप एविडेंस बेस है कि नेट से भी, और दूसरा आप सर्च कर सकते हैं कि दिस इज नॉट द काज ऑफ बैकेक, बल्कि समटाइम इट्स ए ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम दिया और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमारी जो क्वेरीज थी वो आपने क्लियर की। थैंक यू बहुत सो मच। बहुत शुक्रिया रश्मि, थैंक यू।